गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रक्रिया या प्रशासकीय विचारधारा, द प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जो प्रबंध के मूल कार्यों से जन्म लेती है तथा निरंतर चलती रहती है। ये विचारधारा प्रबंध के कार्य को स्पष्ट करती है तथा प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर बल देती है। इस विचारधारा का विश्वास है कि प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक है तथा इसके सिद्धांत सर्वत्र अपनाए जा सकते हैं। इसलिए कुछ लोग इस विचारधारा को प्रबंध की सार्वभौमिक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। मतलब प्रबंध की जो विचारधारा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में निकल के सामने आती है कि जो प्रबंध के कार्य हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये इसको अपनाया जाता है। जो प्रोसेस, जितने भी तरीके से प्रोसेस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसके अंदर अपन सारे प्रोसेस में आते हैं, वो इसलिए इसको प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच विचारधारा कहते हैं और ये सार्वभौमिक विचारधारा भी है। ये विचारधारा प्रबंध या प्रशासन मूल कार्य को निर्धारित करती है। इसलिए कुछ लोग इसे कार्यात्मक विचारधारा, प्रशासकीय विचारधारा और प्राचीन विचारधारा में से भी आज सबसे अधिक प्रचलित होने के कारण कुछ लोग इसे परंपरागत विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। प्रक्रिया विचारधारा के जन्म या जन्मदाता के रूप में फ्योर के नाम ही लिया जाता है कि इन्होंने ही इस विचारधारा को जन्म दिया है। अब प्रबंध की जो विचारधारा, ये जो विचारधारा, इसकी विशेषता इस प्रकार है। ये विचारधारा प्रबंध के कार्यों की एक प्रक्रिया मानती है। दूसरा, विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध का कार्य ये संगठित लोगों से कार्य कराना है। प्रबंध की प्रक्रिया को जन्म अन्य लोगों से कार्य कराने के कारण होता है। प्रबंध की प्रक्रिया प्रबंध के कार्यों का कारण और परिणाम है। ये विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के कुछ आधारभूत तत्व या कार्य हैं। यद्यपि इन कार्यों में समय के साथ परिवर्तन अवश्य हुआ है, किंतु मूल रूप से आज भी वही है। आज उन कार्यों में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि को सम्मिलित किया है। प्रबंध के कार्य अंतर संबंधित होते हैं। एंड नेक्स्ट डे इसका ये विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि प्रबंध के अनुभव और व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुभव एवं व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर बनाए गए ये सिद्धांत प्रबंध के भावी शोध और विकास के लिए केंद्रीय बिंदु का कार्य करते हैं। शोध के द्वारा इन्हीं सिद्धांतों की वैधता, व्यवहारिकता की जाँच की जाती है। इससे सिद्धांत के निर्माण और संशोधन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। नेक्स्ट, इस विचारधारा का विश्वास है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के कार्य को करने तथा उनके सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट इसकी है, ये विचारधारा प्रबंध को कला मानती है तथा यह विश्वास करती है कि सिद्धांतों के आधार पर ही इसमें निखार लाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये विचारधारा ये भी मानती है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में प्रबंध सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में, यहाँ तक कि मंदिरों एवं घरों में भी लागू किया जा सकता है। ये विचारधारा यह भी मानती है कि प्रबंध के सिद्धांत केवल उच्च प्रबंधकों के लिए ही उपयोगी नहीं बल्कि प्रबंध के सिद्धांत संगठनों के सभी स्तरों पर कार्यरत प्रबंध के द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये विचारधारा अनुभव, ज्ञान दोनों ही प्रबंध की सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध एक वातावरण होता है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता है, किंतु ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध के सिद्धांतों के वैज्ञानिक आधार देने के लिए सभी वातावरण संबंधित जानकारी को ध्यान में रखना अनिवार्य है। इस के अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। ये विचारधारा परंपराओं के परिवर्तन पर विश्वास रखती है। इसलिए ये विचारधारा इस बात पर बल देती है कि प्रबंध के कार्यों शोध करना चाहिए, अनुभवों की कसौटी पर सिद्धांतों को परखना चाहिए, प्रबंध के सिद्धांतों की शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो
तो ये जो प्रक्रिया है प्रबंधकीय कार्य और सिद्धांत, तो इन सब पर लागू है। मतलब प्रशासन को किस तरह से जो भी कार्य करते हैं, प्रोसेस में जो भी चीज़ लाती है, वो इस विचारधारा की सारी मान्यताओं पर आधारित है, तो ही इस विचारधारा को अपनाया जाता है कि टोटली एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर देती है, उसके कार्यों पर जोर देती है, उसके सिद्धांतों पर जोर देती है। तो इस विचारधारा में यही सब कुछ आता है। अब इसके मूल्यांकन में हम देखते हैं, तो इसका मूल्यांकन करने पर बात निकल के आती है कि इस विचारधारा में प्रबंध के कार्यों सिद्धांतों की खोज की है, इसी प्रबंध के कार्य को करना आसान हो गया है और इसको सरल रूप से समझने का भी प्रयास करना बहुत ही आरामदायक हो गया है। इस विचारधारा ने प्रबंध को ज्ञान की एक शाखा और विषय के रूप में विकसित करने में सहयोग दिया है। एंड नेक्स्ट, इससे सिद्धांतों के कारण प्रबंध की शिक्षण और प्रशिक्षण आसान हो गया है और इसके जो सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध के व्यवहार के रूप में समझना आसान हो गया है और प्रबंध को संगठनों के भारी वातावरण में सजग किया गया है। इस विचारधारा ने प्रबंध के सिद्धांतों के व्यवहार को लागू करने तथा उसके निरंतर जांच करने की सीख दी है। तो ये सारी चीज़ें इससे निष्कर्ष के रूप में निकल के आएगी कि प्रबंध की जो विचारधारा किस तरह की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।